प्रो कबड्डी लीग मैच नंबर 79 खेला जाएगा पटना पायरेट्स वर्सेस यूपी योद्धास के बीच में। दोनों टीम्स के आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ ही साथ भाई एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, कौन सी टीम का कौन सा प्लेयर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा सब कुछ बताने वाला हूँ। वैसे अगर बात करें रिसेंट मैचेस की तो यूपी योद्धास की टीम भी अपना लास्ट मैच हार के आ रही है और पटना पायरेट्स की टीम तो लास्ट मैच भाई बुरे तरीके से हार के आ रही है तमिल थलाईवास के सामने, ठीक है। हालांकि यूपी योद्धास क्लोज मार्जिन से हार के आ रही है बट हार के यूपी योद्धास भी आ रही है। अब देखिए दोनों टीम्स की आपको बात बताऊंगा कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे कौन से नहीं, लेकिन उससे पहले दोस्त ये जो ग्रैंड लीग आपको दिख रही है ना, इस जीएल के लिए मैं आपको 6 टीम प्रोवाइड करवाने वाला हूं। कहां पर? मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी तक आपने भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी के अभी जाके कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अभी के अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले भाई जो काम है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, उसके बाद भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए भाई एक मैच की वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत जाती है और इतनी मेहनत अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो भाई एक छोटा सा रिवार्ड आपकी तरफ से हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियो आए जो भी मैच प्रीव्यूज में डालूं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए भाई हम बात करते हैं दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 की, लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉइंट्स टेबल में क्या चल रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यूपी योद्धास नंबर 11 पर खिसक चुकी है, 13 मैच में से सिर्फ 3 मैच विन किए, एक मैच टाई रहा है, 9 मैच भाई ये हार के आ रहे हैं, ठीक है, 13 मैच में से भाई बहुत ही खराब पोजीशन अभी है यूपी योद्धास की, ठीक है। इसके अलावा पटना पायरेट्स भी इनसे ज्यादा दूर नहीं है, 13 मैच में से 5 मैच जीते, 7 मैच ये भी हार के आ रहे हैं। और यहां पर अगर आप देखो तो पटना पायरेट्स नंबर 8 की पोजीशन पर है। बात करेंगे इस मैच की तो चलिए भाई स्टार्टिंग 7 देखते हैं, प्लेयर बैटल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भाई इस मैच का, आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पटना पायरेट्स की स्टार्टिंग 7 किशन डुल कहां पर खेलेगा भाई? किशन डुल खेलेगा राइट कॉर्नर पर, ठीक है। इसके अलावा नीरज कुमार राइट कवर की पोजीशन पर आपको खेलता दिख जाएगा, बाकी यहां से कोई खेल नहीं रहा है। ऑलराउंडर सेक्शन चलेंगे अंकित, लास्ट मैच में भाई अंकित ने इज्जत बचाई है थोड़ी बहुत पटना पायरेट्स की। यहां पर अगर आप देखोगे तो अंकित की बात करें तो लेफ्ट कॉर्नर पर खेलेगा प्लस राइट कवर की पोजीशन पर, सॉरी लेफ्ट कवर की पोजीशन पर कौन खेलता नजर आएगा? जो मनीष डुले, ये आपको लेफ्ट कवर की पोजीशन पर खेलता नजर आ जाएगा, ठीक है। बात करते भाई रेडिंग की तो रेडिंग में चले उससे पहले भाई यहां पर आप देखिए टीम के पास 3 अच्छे रेडर है, सबसे पहले जो सचिन है वो है, उसके बाद भाई मंजीत है, उसके बाद एम सुधाकर है, ठीक है। तीन में से जो 2 मेन रेडर है ना ये आप देखिए सचिन तवर और मंजीत, दोनों भाई राइट साइड से रेडिंग करने वाले प्लेयर हैं। और अगर दोनों राइट साइड से रेडिंग करेंगे तो यानी कि भाई राइट साइड से इनके टीम की 80% रेड होने वाली, और जब 80% रेड राइट साइड से होंगे ना तो आप मान सकते हो कि सामने वाली टीम का लेफ्ट कॉर्नर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर पटना का डिफेंस रेडिंग नहीं चली तो सामने वाली टीम का लेफ्ट कॉर्नर प्लस राइट कवर वो तो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। तो वहां पे भी बात करेंगे लेकिन वो बात करेंगे प्लेयर बैटल में। अभी बात करते भाई यहां पर एम सुधाकर की, तो एम सुधाकर लेफ्ट साइड से रेडिंग करता आपको नजर आ जाएगा। तो चलिए भाई बात करते यूपी योद्धास की, इनकी तरफ से देखिए सुरेंद्र गिल एक मैच में यहां पर आए थे, बिल्कुल भी भाई फिट नहीं दिख रहे थे, ना ही फुटवर्क अच्छा हो रहा था ना ही कुछ अच्छा हो रहा था, उसके बाद भाई इस मैच में फिर से रेस्ट दिया गया। और अगर ये खेलते हैं तो आपके लिए ओनली ऑन जीएल मिनी जीएल में इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्मॉल लीग में आप एज ए टीम में एज ए टीम प्लेयर रख सकते हो, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कैप्टन वीसी देना बहुत रिस्की रहेगा। रीज़न क्योंकि भाई यहाँ पर इंजरी है, तो इंजरी में भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसा फुटवर्क रहेगा कैसा नहीं रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे सारे लोग इनको कैप्टन देकर आ गए थे, ठीक है, सभी लोग, बट हमने यहाँ पर ट्राई भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है इंजरी के बाद वापसी करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और कबड्डी जैसे फिजिकल गेम में तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी बात करेंगे प्रदीप नरवाल, अकेले दम पर टीम को चला रहे भाई, ये लास्ट मैच में 16 टच पॉइंट निकाले हैं, 16 टच पॉइंट भाई बहुत ज्यादा होते हैं एक मैच में, ठीक है। 26 रेड इन्होंने डाली, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे इस मैच में भी, जरूर से ट्राई कीजिएगा। गगन गोवड़ा की बात करें राइट साइड से रेड करेंगे और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, 4 टच पॉइंट 2 बोनस पॉइंट इन्होंने भी लास्ट मैच में निकाले थे। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर भाई देखिए जो ऑलराउंडर सेक्शन है यहां पर गुरदीप आपको दिखेगा, ये भाई लेफ्ट कवर की पोजीशन पर आपको खेलता दिखेगा, लेफ्ट कवर की पोजीशन पर, लास्ट मैच में सब्स्टिट्यूट के तौर पर था। विजय मलिक की बात करेंगे, लास्ट के 2 मैच में विजय मलिक अच्छा कर रहे हैं, यहां पर भी 3 टच पॉइंट निकाले, इससे पहले वाले मैच में तो भाई इन्होंने सुपर 10 ही लगा दिया था।
यहां से अगर बात करें तो सुमित, सुमित कहां खेलेगा भाई, सुमित खेलेगा लेफ्ट कॉर्नर पर। राइट कॉर्नर पर कौन है भाई, नितेश कुमार, ठीक है। नितेश कुमार भी सब्स्टिट्यूट के तौर पर था। यहां पर अगर आप देखोगे तो राइट कवर की पोजीशन पर कौन दिखेगा, आशु सिंह। हितेश कहां पे दिखेगा भाई, लेफ्ट कवर की पोजीशन पर, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें हरेंद्र कुमार लेफ्ट कॉर्नर की हरेंद्र कुमार लेफ्ट कवर की पोजीशन पर दिखेंगे, और हितेश आपको दिख जाएंगे कहां पर भाई, लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बट यहां पर इस मैच में भाई मेरे हिसाब से नितेश वापसी कर जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ गुरदीप वापसी कर जाएंगे, तो ऑलमोस्ट इनका सेम वही डिफेंस हो जाएगा। अब अगर बात करें भाई प्लेयर बैटल की, तो देखिए यहाँ पर प्रदीप नरवाल यूपी की तरफ से ऑलमोस्ट भाई सारी रेड यही डालते हैं, मान सकते हो मैच की 80-85% रेड यही डालेंगे। तो सामने वाली टीम का राइट कॉर्नर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि है भाई कृष्ण डू। लास्ट मैच में कंप्लीट फ्लॉप, उससे पहले कंप्लीट फ्लॉप, इस मैच में सीबीसी का बहुत तगड़ा दावेदार रहेगा। तो अगर अभी तक आपने भाई इन्हें अपनी टीम में लेने का नहीं सोचा है तो टीम में तो रखिएगा ही रखिएगा, प्लस सीबीसी भी आप इन्हें अपनी टीम का दे सकते हो। बहुत ही तगड़े प्लेयर आपके लिए रहने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से भाई मस्ट पिक रहेगा, जरूर से आप इन्हें अपनी टीम में रखेगा। वहीं अगर सामने वाली टीम इनके मतलब जो दूसरा प्लेयर है वो कौन है, राइट कवर का साथ कौन देगा, लेफ्ट कवर, राइट कॉर्नर का साथ कौन देगा, लेफ्ट कवर, जो कि भाई मनीष डुल भी आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक का काम इस मैच में जरूर कर सकता है। जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। सामने वाली टीम आप देखो सचिन तंवर प्लस भाई यहां पर मनजीत, दोनों के दोनों भाई राइट साइड से रेड करेंगे। और सामने वाली टीम का लेफ्ट कॉर्नर कौन है, सामने वाली टीम का लेफ्ट कॉर्नर सुमित सांगवान, जो कि भाई इस सीजन कुछ अलग ही फॉर्म में है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। बट मेरे हिसाब से इस मैच में पटना की टीम जीतती नजर आ सकती है, यूपी की टीम को भाई मुश्किलें होंगी। तो भाई यहां पर सीबीसी देना मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की होगा, बट अगर आप चाहो, आपको लगता है कि यूपी की टीम जीतेगी, देन आप इन्हें कैप्टन या वीसी इजिली दे सकते हो, ठीक है। बात करें यहां से टीम की, तो देखिए सुमित को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं, कृष्ण ढुल को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं, नीरज को मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा हूँ भाई। यहाँ से भाई बात करेंगे तो अंकित को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर भाई अगर आप चाहो ना तो मनीष ढुल को रख सकते हो, साथ ही साथ भाई यहाँ से आप अपनी टीम में नीरज को रख लेते भाई, इससे अच्छा तो है ना, नीरज को रख सकते हो। बाकी यहाँ से अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में, तो गुरदीप को आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो, हालांकि मेरी टीम में शायद जगह ना बन पाए। यहाँ पर प्रदीप, सचिन और मनजीत, ये तीन मेरे टीम में और रहेंगे रेडिंग से प्लेयर। अब अगर बात करें भाई कैप्टनसी की, तो कैप्टनसी देखिए मेरी टीम में मैं देने वाला हूँ कृष्ण ढुल को। वीसी की बात करें तो सचिन तंवर को मैं अपनी टीम में एज ए वीसी लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। टीम को अगर सेव करें तो टीम का प्रिव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। अब देखिए फाइनल टीम तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने ये टीम बनाई है भाई किसके फेवर में, ये टीम बनाई है भाई मैंने पटना के फेवर में। अगर यूपी यहां से जीतती है तो आप इस मैच में यूपी के 5 प्लेयर ले सकते हो। वो टीम कैसी रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर आफ्टर लाइनअप शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ जीएल की टीम भी मैं टेलीग्राम पर देने वाला हूं, तो ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।